एक शेर सुनाती हूँ कि कितनी उलझने हैं इस दुनिया में सुलझाने को, कितनी उलझने हैं इस दुनिया में सुलझाने को, और एक हम है जो बस दो आंखों में उलझे पड़े। हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति हनुमंडला। मैं कुछ शेर और कुछ गजलें सुनाऊंगी। शुरू करते हैं। बस यही दुआ करते हैं कि तुम्हें उनसे जरा सी भी दूरी नसीब ना हो, बस यही दुआ करते हैं कि तुम्हें उनसे जरा सी भी दूरी नसीब ना हो। सफर चाहे कितना भी मुश्किल रहे, सफर चाहे कितना भी मुश्किल रहे, बस तुम्हें इश्क अधूरा नसीब ना हो। एक गजल पढ़ती हूँ, सुनिए। कि मैंने लिखा कुछ और क्या कमाल लिखा, मैंने लिखा कुछ और क्या कमाल लिखा, मेरे नाम के साथ तेरा नाम लिखा। मैंने लिखा कुछ और क्या कमाल लिखा, मेरे नाम के साथ तेरा नाम लिखा। तेरे रूबरू तो ख्याल नहीं आता और कुछ, तेरे रूबरू तो ख्याल नहीं आता और कुछ, तुझसे दूर होकर मैंने बेहिसाब लिखा। शुक्रिया। लिखते हैं जब भी कुछ सोच कर लिखते हैं, लिखते हैं जब भी कुछ सोच कर लिखते हैं, लेकिन मोहब्बत पर जब भी लिखा तुम्हारे बारे में सोच कर। अगला शेर सुनिए कि अगर आपको पता रहेगा साहिर लुधियानवी और अमृता प्रीतम के बारे में, सो आई जस्ट वांट टू से कि अमृता वाज क्रेजी अबाउट साहिर, तो उस पर एक ही बहुत छोटा शेर लिखा है कि वो पढ़ता है साहिर की तरह, वो पढ़ता है साहिर की तरह, मैंने जब जब अमृता बनकर लिखा। गजल का आखिरी शेर सुनिए कि तेरी तारीफ क्या तेरे ऐप पर भी शेर लिख दूँ तो, तेरी तारीफ क्या तेरे ऐप पर भी शेर लिख दूँ तो, लोग कहते हैं वाह प्रीति क्या खूब लिखा। शुक्रिया। एक और गजल पढ़ती हूँ। तुम्हारी खुशबू महसूस होती है वहाँ की हवा में, तुम्हारी खुशबू महसूस होती है वहाँ की हवा में, जब भी तुम्हारे गली से गुजरती हूँ दोस्त। तुम्हारी खुशबू महसूस होती है वहाँ की हवा में, जब भी तुम्हारे गली से गुजरती हूँ दोस्त। बिल्कुल जाना पहचाना सा लगता है, बिल्कुल जाना पहचाना सा लगता है, जब भी तुम्हारा नाम पुकारती हूँ दोस्त। मेरी मुरझाई हुई जिंदगी मानो खिलने लगती है, मेरी मुरझाई हुई जिंदगी मानो खिलने लगती है, जब भी तुम्हारे साथ चलती हूँ दोस्त। हर सफर खूबसूरत लगने लगता है, हर सफर खूबसूरत लगने लगता है, जब भी तुमसे बात होती है दोस्त। गजल का आखिरी शेर सुनिए कि बिल्कुल अपने घर जैसा सुकून मिलता है, बिल्कुल अपने घर जैसा सुकून मिलता है, जब भी तुम्हें सीने से लगाती हूँ दोस्त। एक शेर सुनाती हूँ कि कितनी उलझन है इस दुनिया में सुलझाने को, कितनी उलझन है इस दुनिया में सुलझाने को, और एक हम है जो बस दो आंखों में उलझे पड़े। एक आखिरी गजल एंड देन आई विल टेक माय सीट। सुनिए कि लगता है बरसात होने वाली, लगता है बरसात होने वाली है, एक शख्स से आज पूरी रात बात होने वाली, लगता है बरसात होने वाली है, एक शख्स से आज पूरी रात बात होने वाली है, उसने इकरार किया अपने बेकरारी का, उसने इकरार किया अपने बेकरारी का, अब हमारे बीच जो भी हो उसमें शिद्दत होने वाली है। उसने इकरार किया अपने बेकरारी का, अब हमारे बीच जो भी हो उसमें शिद्दत होने वाली है, वादे किए तो है हमने जन्मों जन्मों के, वादे किए तो है हमने जन्मों जन्मों के, देखते हैं हमारे रिश्ते पर खुदा की क्या इनायत होने वाली है। बहुत शुक्रिया। अगला शेर सुनिए कि हम दोनों भी सरफिरे आशिक, हम दोनों भी सरफिरे आशिक है, अब इश्क में हमसे खूब हिमाकत होने वाली है। गजल का आखिरी शेर कि जमाने को तो हम कभी रास ना आए, जमाने को तो हम कभी रास ना आए, चलो अब एक और हीर रांझे की शुरुआत होने वाली है। बहुत शुक्रिया गाइस।